भाजपा को मात देने के लिए अखिलेश की ट्रिपल एस रणनीति, संपर्क संवाद संघर्ष से सपा को मजबूत करेंगे अखिलेश। बूथ ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू होगी नई रणनीति। बजट सत्र के बाद अखिलेश भी करेंगे पूरे प्रदेश का दौरा। अखिलेश ने इस रणनीति से विपक्ष को मात देने और 2022 का चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। ट्रिपल एस के जरिए अखिलेश पार्टी को बूथ ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूत करेंगे और वो खुद भी बजट सत्र के बाद जनता से संवाद स्थापित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे। अखिलेश पर यह भी आरोप लगते आए हैं कि वो जनता से नहीं मिलते और न ही सड़क पर उतरकर संघर्ष करते। सपा नेताओं की हत्याओं तक पर वो सड़क पर नहीं उतरे। अब नई रणनीति के तहत ही अखिलेश बाराबंकी जहरीली शराब कांड के बाद जनता से मिलने गए तो वहीं आगरा में यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष सर्वेश की हत्या के बाद वो एटा गए थे। ट्रिपल एस के चलते ही उन्होंने राज्यपाल से मिलकर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन भी दिया। अखिलेश और योगी के बीच ये सबसे बड़ा अंतर भी देखने को मिला कि चुनावों से पहले ही योगी हर विधानसभा क्षेत्र का दो बार दौरा करने का रिकॉर्ड बना रहे थे तो वहीं अखिलेश के गिनती के दौरे हुए। फिर अखिलेश का बसपा के साथ गठबंधन भी फेल हो गया तो अब उन्होंने पहले चुनाव और फिर 2022 चुनावों को सामने रखकर ट्रिपल एस यानी संपर्क संघर्ष संवाद की नई रणनीति बनाई। विदित हो कि बसपा से गठबंधन करके सपा को कोई फायदा नहीं हुआ जबकि शून्य पर रुकी बसपा को यूपी में 10 सीटें मिल गई।